खबर 365 न्यूज, आपकी खबर आप तक 365 दिन आपके साथ। जेल से रिहा होने के बाद सीके पांडे का गर्मजोशी से स्वागत, डीजे के साथ कार्यकर्ताओं ने निकाली रैली। जेल में रहने के बाद हौसला बहुत मजबूत हुआ, कहा सीके पांडे ने। बरकट्ठा जिला परिषद प्रतिनिधि सह समाज सेवी शिक्षक सीके पांडे का जेल से रिहाई के बाद युवाओं ने गर्मजोशी से स्वागत किया। युवाओं ने डीजे के साथ गुंजरा मोड़ से जुलूस निकालकर सीके पांडे का भव्य स्वागत किया। विदित हो कि गोरहर थाना के पूर्व प्रभारी द्वारा 7 अगस्त 2022 को एक सूर्य कुंड में लगे जनता दरबार से समाज सेवी सीके पांडे, पत्रकार सुरेश पांडे एवं रिंकू माली को रहस्यमय ढंग से गिरफ्तार करके जेल भेज दिया गया था। इस गिरफ्तारी के 2-3 दिनों के बाद थाना प्रभारी राधा कुमारी को लाइन हाजिर कर दिया गया था। जेल से निकलने के बाद सीके पांडे ने कहा कि जेल के सभी बंदियों से बहुत प्यार एवं सम्मान मिला, जिससे मेरा हौसला और मजबूत हुआ। उन्होंने कहा कि सत्य की जीत हमेशा होती रही है और आगे भी सत्य की लड़ाई जारी रहेगी। खबर 365 न्यूज के लिए बरकट्ठा से संतोष कुमार पांडे की रिपोर्ट। अभी जितने शुभचिंतकों के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, और वही लोग का हौसला से हम लोग लगभग 6 महीने हम लोग जेल में रहे, और अंततः जिसे बोला गया है ना कि सच्चाई की जीत होती है, तो वही सच्चाई का जीत हुई है, और जो किया कोई दिक्कत नहीं है, भगवान उसको भी खुशी रखे। बस जेल में हम लोग को बहुत अच्छा अनुभव रहा, और वहाँ पर जितने भी पदाधिकारी जेलर साहब हैं, सुपरिटेंडेंट साहब हैं, और एसपी डीसी भी विजिट में गए, तो उन लोग से भी बात करने पर बहुत हम लोग को एनर्जी हौसला मिला, और जिंदगी जितने भी लोग भी सफल हुए कहीं ना कहीं उन लोग बहुत समस्या का सामना किए हैं। कभी भी घबराना नहीं चाहिए, हौसला बड़ा रखना चाहिए, जिंदगी बहुत बड़ी है, और ये हम लोग को समझिए और हौसला मजबूत किया है, और हम लोग समझिए कि अब एक तीसरा एजुकेशन हम लोग प्राप्त करके जेल से आए हैं। जो जेल नहीं गया है समझो इसका एजुकेशन अधूरा है। अपडेट खबरों को देखने के लिए देखते रहें खबर 365 न्यूज, साथ ही लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।